तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपका भाई कुछ बताने वाला है आपको बहुत ज़्यादा। पहले बता क्या देता हूँ, पहले इधर देखो सामने आमने, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है बिल्कुल। अभी तो अब जाते थोड़ी बहुत फोक थोड़ी बहुत कम हुई है ना, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मनाली बन गए थे। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई तप ही रहा है, यहाँ पे देखो ये इधर तप रहा है इधर। अभी आया हूँ मैं गेम वेम खेल खाल के पीजीएमआई, तो फिर यहाँ पे मम्मी जला रखी है आग, ये मम्मी कचरा साफ कर रही है, बाल कर रही हूँ और तप भी रही हूँ, सफाई भी हो गई रास्ते में। और मम्मी सफाई कर दी आसपास के में, कांटे भी जल गए, कांटे वाटे सबको बाल दिए मम्मी, काम हो गए, सफाई हो गई, तब भी लिए उनसे ही। तो कल पर सॉरी परसों के दिन आई हुई थी मौसी, तो मौसी जी के साथ आई थी भा वो क्या बोलते हैं भाभी जी और बहन भैया, तो उनके छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे क्यूट से, तो उनको दिखाऊंगा मैं आपको डांस करते हुए। हम तो न्यू तप आ गए गांव में, न्यू तपते हम तो ऐसे। पहले पुराने घर पे तो सारे जने बैठ जाते थे इधर, फिर तपते थे वहाँ पे। थोड़ा सा गर्म शरीर हो गया, थोड़ा सा अब सही हुआ है, तेज ठंड लग रही थी, रजाई में बैठा था मैं तो, दो रजाई घेर के। अब आया हूँ मैं बाहर, ये तप रहे इधर अपन। इधर हमारी मम्मी वो कर रही है, मशीन सुधार रही है, खुद की खुद ही मैकेनिक बन चुकी है मम्मी यहाँ पे। तो गाइस 2 बजने वाले 10 मिनट के बाद, अब तुम्हारा भाई ना क्या है इस टाइम पे। तो क्या है ना, तुम्हारा भाई अब ना क्या है, कल मैं कटिंग करवा के आया था, मेरे को कहीं पे जाना था क्या था, शादी थी, तो उसमें जाके आया था कल मैं। तुम्हारे भाई ने मस्त फोटो शूट करी एकदम बढ़िया वाली। तो आज वैसे पीओपी का काम हो जाएगा, तो पीओपी भी देख के आएंगे कितना काम बाकी है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। चाय बना के पियेंगे सर्दी के अंदर, सबके लिए चाय बनाएगा तुम्हारा भाई। तो अपन थोड़ी देर बाद में देखने के लिए चलेंगे वहाँ पे। तो गाइस अपन जा रहे हैं कहाँ पे, काम देखने दे कितना काम हो गया, तो अपन चलते हैं पहले काम देख के आते हैं कितना काम बाकी, कितने दिन लगेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से आज कंप्लीट हो जाएगा पीओपी का काम, क्योंकि सारे कमरों में तो हो चुका है, बस थोड़ा बहुत चौक में बाकी था। तो अपन देख के आएंगे पहले कितना काम बाकी है, फिर प्यारे लाल से मिलेंगे, प्यारे लाल चलते हैं ऊपर। अरे टी शर्ट यार पता नहीं चलता सीधी उल्टी। वो भाई साहब गाने चल रहे हैं वो देख से, परदेसी जाना नहीं। तो चलते हैं अपन ऊपर, ये हो लिया पूरा काम इनका, तो पूरा हो गया छतवत का, दूसरे रूम का पूरा हो गया, अपना हॉल का भी पूरा हो चुका है काम, अपने हॉल का भी काम पूरा हो चुका है। अब चलेंगे छत पे देखते थे कितना काम बाकी है। भाई साहब कौन से सॉन्ग सुन रहे हैं पे, मुझे छोड़ के जाना नहीं, परदेसी ये भाई साहब के सॉन्ग देखिए, ये भाई साहब कर देगा तो पहले ला तू भी कर दिया, ले भाई प्यारे लाल को दिखाता हूँ मैं। मार्टी साहब लगाते हैं यहाँ पे 6 और 3 3 9 96 96 की बात का 96 होगा 96 इंच होगी। आज कंप्लीट हो जाओ लो, आज कंप्लीट हो जाएगा, कब होगा, कल हो जाएगा, परसों तक, कल हो जाएगा ना, तो कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। तो प्यारे लाल क्या चाल, हेलो कर दे देखा, अरे कर दे हेलो तो कर दे, अरे ठाट से कर दे, अब चाचू सर माहौल है बना, अरे देखा ले वो डेमोकिंग नाम से चाचा, देख सकते हो ये काम पे ऐसे रखता है, ऐसे रहता है और फिर जाता है, तब देखना आप इसको। ऊपर वाले चौक पे डिजाइन बन रही है यहाँ पर, छट चुका है यहाँ पे,
अभी आपको ऐसे लग रहा है ये क्या कपड़े पे नाप जो कर रहा है, ये सीख रहा है काम को, अभी ठेकेदार बनेगा ये बड़ा होकर, अब बड़ा ये लेकिन और बड़ा हो जाएगा। ये इनके गुरु जी प्यारेलाल ढंग से नाप जो, एक भी सूट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो चलते अपन देखते अपन सारे रूम में अलग अलग डिजाइन दी है, तो मस्त लगता है यार पियो प्यारे उसमें होकर आएंगे। अपने ये डांच पड़ी है यहाँ पे, ये व्यू अपना साफ चल रहा है। भाई साहब को मैं पूछा कि कितने रुपए लगेगा पूरे मकान में, तो भाई साहब बोलते हैं कि पता नहीं है, तो अगर तो मीटर मिलाने में अपना वो 50,000 तक मत पहुँचा देना काम, आप कहते पता नहीं लग भी सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी अपने, तो ये मीटर खींच देंगे 3 दिन की 3-4-5-10 दिन के काम को 50,000 रुपये ले लेंगे बच्चे दही मेरे। भाई साहब ज़्यादा 25,000 रुपये मान लो ना तू, अरे तो जो भी जो हिसाब से 1,00,000 रुपये पूछा तू यार थोड़ी फिर भी तारे हिसाब से बताओ तो कितों को बोलो को मन, तो आ लो 2 कमरे के 12,000 रुपये लग चुके मेरे हिसाब से, तो पूछ गया मीटर 50 से ऊपर 50,000 से ऊपर मीटर पहुंच चुके। ये देखो ये मीटर मिलाने में थोड़ा बहुत कम कीमती कर दीजिए आप। हाँ और कहीं से अब भाई सुन फोन ले चल लो, तो भाई झुक के चलना पड़ता है निश्चित पूर जाएगा। पहले लाल सामान लेके आओ है, पट्टी वट्टी सारी चीज लिया जो। तो भाई मीटर थोड़ा सा खींचने वाला है, मैं तो यही देखा 20-25,000 रुपये में काम हो जाएगा, लेकिन 2 कमरों का 12,000 से ऊपर हो लिया, तो ज़्यादा ही पैसे लग गए। तो चलते अपन घर सीधा, ये बन रहा है मसाला। अरे माल है आई मीन माल है, माल इनके लिए माल है, ये माल बन रहा है, इस पे बनेगी डिजाइन फिर लगेंगे वो। अच्छा बाकी लगाते दिखे जो लट्टू वट्टू है उनके लगाओगे ना, वो कल वाले पे बनाए थे वो डिजाइन, फिर पट्टी के डिजाइन के अंदर लगे माइन है और माल मेटर सब इनका। तो मैं भी सोच रहा हूँ तो अपन इसमें कम की बत्ती करा लेंगे पीछे वाले में, कराएंगे तो दबा देंगे जानकारी से। तो देखो वहाँ पे तेल वेल लग रहा है पट्टी अट्टी के मजबूती के लिए, मसाला गिरेगा इसके ऊपर माल ये गिरने वाला माल। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ उधर काम चल रहा है, 1-2 दिन लगेंगे और मम्मी बना रही है यहाँ पे। मम्मी क्या बना रहे हो? बत्ती। तो देख रहे हो तो क्या बना रहे? बत्ती। किस काम के लिए? भगवान की जोने के लिए। अच्छा। फूल बत्ती। फूल बत्ती बना रही है, फूल बत्ती बना रही है मम्मी। ये हमारी आई जी हुई पुराने वर मोहल्ले वाली ताई जी आई हुई है पुराने घर वाली काकी कुछ भी। हाँ कर दे, हेलो कर दे, कोई कौन है वीडियो बना रही तू। तो गाइस अपन अब चाय वाय बनाएंगे अब मम्मी मम्मी के लिए। चाय बनाऊं मम्मी? अभी दीदी थोड़ी बना रही, अभी मेरे को चाय पीनी है।